महत्वपूर्ण बात क्या है, जो पैसे का देकर तर्क दिया जा रहा है कि 40,000 रुपए करोड़ खर्च होंगे, जब इस देश के अंदर 25 इंडस्ट्रियलिस्ट के 16,00,000 करोड़ रुपए जब माफ कर दिए जाते हैं, तब इस देश के अंदर किसी को चिंता नहीं होती। ये 40,000 करोड़ रुपए, अब 4,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ की चिंता की जाती है, क्या वो 16,00,000 करोड़ से भी कोई तुलना हो सकती है? लेकिन है, दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है? ये हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। गत दिवस एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि इससे संबंधित बिल संसद के शीतकालीन सत्र यानी नवंबर दिसंबर तक पेश हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे, इसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे चरण में निकाय चुनाव साथ कराए जाएंगे। एक देश एक चुनाव का मतलब है लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना, लेकिन क्या यह संभव हो पाएगा, क्या सभी पार्टियां इस पर एकमत हो पाएगी? इसी मुद्दे पर गरिमा सिंह के शो में राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष के साथ बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता, इन सभी के बीच हुई जोरदार भिड़ंत। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ये मैंडेट करता है कि वन नेशन वन इलेक्शन एंटी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एंटी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन नहीं है। अगर होता तो कोई भी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बता दीजिए जो कह रही है कि स्टेट गवर्नमेंट के सारे अधिकार कर्ब हो जाएंगे। नहीं नहीं, कोई क्यों कर्ब होंगे, कैसे कैसे कर्ब होंगे? एक सेकंड सुनिए, उड़ीसा से, अच्छा सुनिए 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 ना, बोलिए 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 भाई। अखिलेश यादव चुनकर आ गए, फर्ज कीजिए योगी आदित्यनाथ चुनकर आ गए, और योगी आदित्यनाथ जिस वक्त पर चुनकर आए उस समय विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा के साइमल्टेनियसली इलेक्शन की तारीख से बचा है 2.5 साल का, तो चुनी हुई सरकार ने क्या बिगाड़ा कि वो 2.5 साल की रहेगी? एक सेकंड, जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्पिरिट को इंप्लीमेंट करना है तो फर्स्ट इंसिडेंट से, अब मैं आपको कहता हूं सुनिए, आप 2.5 साल क्यों चलेगी? अरे तो जब आप पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को इंप्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको करना ही पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप कह रही हैं कि भाई पावर्स कर्ब होती है, इस देश में उड़ीसा का चुनाव जो होता है लोकसभा और असेंबली का साथ में होता है। आप क्या कहने की कोशिश करें कि जब 2019 की लोकसभा चुनाव के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की 8 सीट आई थी और नवीन पटनायक जो चुनाव जीते थे साइमल्टेनियस होते हुए, तो क्या उनकी पावर्स कम थी उड़ीसा असेंबली के अंदर? तो नहीं नहीं नहीं, तो आप साइमल्टेनियस इलेक्शन थे कि नहीं थे? साइमल्टेनियस इलेक्शन थे कि नहीं थे? आप तो लॉजिकल बात, पूरा लॉजिकल बात कर रहा हूं। तो नवीन पटनायक ने 5 साल का कार्यकाल, अरे तो एक सेकंड गरिमा जी, जब पहली बार वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली किसी का कार्यकाल कम करना होगा, उसी का करना होगा, उसका थोड़ी हर बार का कम करना होगा, कम हमेशा थोड़ी करना होगा। तो क्या जब सरकारों का कैसे राज्य सरकारों का कार्यकाल शक्तियां कम थोड़ी हुई है? नहीं 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 नहीं, गरिमा जी कम नहीं होता है इंप्लीमेंट करने के, पहली बार वन नेशन वन इलेक्शन होंगे उसके बाद सबका कार्यकाल 5 साल ही होगा, ऐसा नहीं है कि 2 साल का होगा। आशुतोष, ये जो मेरा तर्क है और जो प्रदीप भंडारी का तर्क है, मैं ये पूछ रही हूँ कि भाई ममता बनर्जी अगर चुनकर वापस आ गई, योगी आदित्यनाथ हंग असेंबली होने की सिचुएशन में अल्पमत में आ गई सरकार, योगी आदित्यनाथ वापस सरकार में आ गए, लेकिन बचा है मात्र 2.5 साल का कार्यकाल, तो 2.5 साल के लिए योगी आदित्यनाथ को चुना देश की जनता ने, उनके सूबे की जनता ने, क्या गुनाह किया भाई, क्यों चलेगी 2.5 साल सरकार? नहीं देखिए गरिमा जी, ये ज्यादा बड़ा इश्यू है, ये सवाल 2.5 साल का नहीं है, सवाल 3 साल का भी नहीं है, क्योंकि आपको जो मौजूदा पार्लियामेंट्री सिस्टम है उस मौजूदा पार्लियामेंट्री सिस्टम में वन नेशन वन इलेक्शन संभव ही नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको जो पार्लियामेंट या जो असेंबलीज की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको आपको कंफर्म करना पड़ेगा, उसका मतलब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को आपको खत्म करना पड़ेगा, आपको यह इंश्योर करना पड़ेगा कि सारी असेंबली एक बार चुन ली गई तो सिर्फ 5 साल तक वो चलती रहेंगी, चाहे वहां कुछ भी हो जाए। इसका मतलब यह है कि आप देश के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट लाना चाहते हैं, अन्यथा इसके अलावा आज की जो पार्लियामेंट्री व्यवस्था है उस पार्लियामेंट्री व्यवस्था के अंदर अगर कोई सरकार, जैसा योगेंद्र जी ने कहा, अगर बहुमत लूज करती है या तो नई सरकार बनेगी या फिर असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, और अगर मान लीजिए असेंबली डिसॉल्व हो या सस्पेंडेड एनिमेशन में चली जाती है तो गवर्नर रूल लग जाएगा, सरकार बनाने की कोशिश खोची जाएगी, और अगर सरकार नहीं बनेगी तो फिर वो नया चुनाव होगा। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें आपकी जो 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 लोअर हाउस है वो उसको आपको पूरी तरीके से 5 साल के लिए इंटैक्ट करना पड़ेगा। नहीं आशु, यहाँ पर आप भी थोड़ा सा विद ड्यू रिगार्ड में ये कह रही हूँ कि समिति ने इसी का रिपोर्ट में अपनी सिफारिश में इसी का एक सोल्यूशन दिया, जो आप कह रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल मॉडल और पार्लियामेंटेरियन मॉडल। अब इसमें समिति ने कहा कि फर्ज कीजिए कि अगर असेंबली को डिसॉल्व करने की नौबत आई तो वहां प्रेसिडेंट रूल नहीं लगेगा, वहां उस पर्टिकुलर स्टेट में इलेक्शन करा लिए जाएंगे, कार्यकाल छोटा हो जाएगा बस। बट कार्यकाल क्यों छोटा होगा? मैं देखिए ये मैंने कहा ना कि ये बहुत बड़ी, और मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं गंभीरता के साथ क्योंकि आरएसएस और बीजेपी ने
कभी भी भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को स्वीकार नहीं किया, और यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मेरे हाथ में किताब है दीनदयाल उपाध्याय की, जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कहलाती है। इस इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को 1985 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अपनी पार्टी के विचारधारा का मूल मंत्र माना, इसको अडॉप्ट किया बाकायदा। इसका मतलब यह है कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म भारतीय जनता पार्टी का मूल पाठ है, उससे वो गवर्न होती है। इसमें क्या लिखा हुआ मैं पढ़ देता हूं, पेज नंबर 56 पे यह लिखा हुआ है कि भारत की एकता और अखंडता की धारणा का विरोधी, ये संविधान के बारे में कह रहे वो कि भारत का संविधान भारत की एकता और अखंडता की धारणा का विरोधी है। इसमें भारत माता की जीवमान चैतन्यमयी कल्पना नहीं है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ होगा, अर्थात बिहार माता, बंग माता, पंजाब माता, कन्नड़ माता, तमिल माता आदि माताओं को मिलाकर भारत माता बनेगी। यह हास्यास्पद कल्पना, सुनिए कह रहे इसको दिन को, यह हास्यास्पद कल्पना है। आप ये कह रहे हैं कि ये संविधान हमने प्रांतों की कल्पना भारत माता के अंगों के रूप में की, अलग अलग माताओं के रूप में नहीं। अतः हमारा संविधान संघात्मक ना होकर एकात्मक होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब ये आवर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फेडरल, नॉट शुड नॉट बी फेडरल बट यूनिटरी। ये बीजेपी की ये बीजेपी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। बीजेपी ने अभी तक इसको डिसोन नहीं किया। दिस शोज द बीजेपी इन इट्स नेचर इज डजंट अप्रूव फेडरल फेडरल। ठीक आशुतोष, अब प्रदीप और इसके साथ साथ अगर आप केसी सुदर्शन का अगर आप बयान को सुने, वो एक बार में 10 बार कह चुके हैं कि वी हैव टू स्क्रैप द कॉन्स्टिट्यूशन। तो करण थापर के इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आप भारत के संविधान को मानते हैं, उन्होंने कहा नहीं मानता। 10 मार्च 2000 को उन्होंने कहा कि ये भारत का जो संविधान को स्क्रैप करना चाहिए। ठीक है आशु, अब मुझे लेट मी प्रोसीड नाउ फर्दर। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट क्रैश हो गया ना, कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो गया कि आप राज्यों के और केंद्र के चुनाव एक साथ करा लेंगे और नगर पालिकाओं के चुनाव, नगर पंचायत के चुनाव और ग्राम पंचायत के चुनाव, वो आप 100 दिन बात कराएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन 324 के अंदर जो सेंट्रल इलेक्शन रिपोर्ट कहती है कि 100 दिन बात कराएंगे। ओहो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 324 के अंदर स्टेट और सेंट्रल इलेक्शन जो है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन रहता है। आप चाहते हो स्टेट इलेक्शन कमीशन को भंग कर दे, हम कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखते हैं। इसलिए कराएंगे क्योंकि विधानसभा का अनुमोदन लेना पड़ेगा। ना ना, हम लोग राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन लेना पड़ेगा, विश्वास रखते हैं। और ये केशव भारती की बात करे थे, इंदिरा गांधी ने किस तरीके से जजेस को अपॉइंट करा था, इमरजेंसी लागू करी थी, 50 बार प्रेसिडेंट रूल लागू करा था, ये ना बोले लोकतंत्र के ऊपर, जिन्हें जम्मू कश्मीर के 70 साल तक लोकतंत्र नहीं अप्लाई कर पाए, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं कर पाए। आशु मुझे भाई वन नेशन वन अतुल लौंडे पर 10 सेकंड नहीं, मुझे चाहिए नहीं, आप आप ही से कंक्लूड करूंगी, डोंट वरी आशु। क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये यहां पर क्वैश हो जाता है क्या कि जब हम ग्राम पंचायतों के चुनाव साथ कराने की एडवोकेसी नहीं कर पाते क्योंकि उसके लिए विधानसभाओं की रजामंदी चाहिए 15 राज्यों के, वो साथ खड़े होंगे नहीं, देखिए यहां पे क्वेश करता है क्या गरीबा? रामनाथ कोविंद जी देश के राष्ट्रपति रह चुके, इसलिए कुछ कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन ये रिपोर्ट अपने आप पे कॉन्ट्रडिक्टरी है। अगर वहां पे सरकार गिर गई फिर आप सरकार चुनाव करा रहे तो फिर काहे का वन नेशन और काहे का वन इलेक्शन? अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन अगर बाद में तो फिर काहे का वन नेशन वन इलेक्शन? देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण बात क्या है, जो पैसे का देकर तर्क दिया जा रहा है कि 40,000 करोड़ खर्च होंगे, जब इस देश के अंदर 25 इंडस्ट्रियलिस्ट के 16 लाख करोड़ रुपए जब माफ कर दिए जाते हैं तब इस देश के अंदर किसी को चिंता नहीं होती। ये 40,000 करोड़ रुपए, अब 4,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ की चिंता की जाती है, क्या वो 16 लाख करोड़ से कोई तुलना हो सकती है? लेकिन है, दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, ये पूरी की जो सोच है वो दरअसल वन नेशन वन पार्टी वन लीडर ये बना रही है। ये भी तो हो सकता है आशु की ट्रायल बलून वक्फ बोर्ड का, जो वक्फ बोर्ड में अधिकारों में बदलाव में चला गया जेपीसी में। कोई ट्रायल बलून नहीं है, अगर आप गोलवलकर को पढ़ेंगे तो कम से कम 3 बार उनकी उन्होंने ये कहा है वन नेशन और वन लीडर वन पार्टी, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हकीकत, इसीलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरएसएस के लोग लगातार कह रहे हैं समझा, अरे रज्जू भैया ने जो आरएसएस के प्रमुख थे इंडियन एक्सप्रेस, आशु मैं कुछ और पूछ रही हूँ, सुनिए ना सुनिए आशु, मैं ये पूछ रही हूँ कि भाई जेपीसी में वक्फ बोर्ड का जो विधेयक गया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, वो भी धमक के साथ लेकर आए थे लेकिन भेजना पड़ा। देखिए आप स्टेक होल्डर से तो बात करेंगे ना,
नहीं, आप देखिए, आप स्टेक होल्डर्स कैसे बात करेंगे? वैष्णव जी क्या कह रहे हैं, 80% लोगों की राय तो इस वन नेशन वन इलेक्शन में, जबकि इस देश की 15 सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज उनके खिलाफ है और 30 पार्टियां विरोध में खड़ी हैं। तो दोस्तों, एक साथ चुनाव के विचार के आलोचकों का कहना है कि मोदी सरकार का यह कदम राजनीति से प्रेरित है। क्षेत्रीय दलों को डर लगता है कि वे अपने स्थानीय मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा पाएंगे क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे केंद्र में आ जाएंगे। इसके अलावा वे चुनावी खर्च और चुनावी रणनीति के भी राष्ट्रीय पार्टियों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इससे मतदाताओं का व्यवहार इस रूप में प्रभावित हो सकता है कि वे राज्य के चुनाव के लिए भी राष्ट्रीय मुद्दों पर मतदान करने लगेंगे। इससे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में फायदे में रहेगी। इससे क्षेत्रीय पार्टियों के हाशिए पर चले जाने की आशंका बहुत अधिक है। जो अक्सर स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है, उनका मानना है कि प्रत्येक 5 साल में एक से ज्यादा बार मतदाताओं का सामना करने से नेताओं की जवाबदेही बढ़ती है और वे सतर्क रहते हैं। इस सब पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कॉमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।